वो आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। अब आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस अकीदा तकदीर के क्या क्या सबक हैं और इसके क्या समरात हैं, कितनी बड़ी बड़ी नेमतें इसमें पोशीदा हैं। देखिए वही लफ्ज़ किताब आया सूरह हदीद में, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबराहा, नहीं पढ़ती तुम पर कोई पढ़ने वाली। मुसीबत का लफ्ज हम आमतौर पर उर्दू में बोलते हैं किसी तकलीफ के शय के लिए, कोई वाकया ऐसा जो हमें नागवार गुजरे वो तकलीफ है। लेकिन असाबा यूसीबों में असल एतबार से जो भी कुछ आता है अल्लाह की तरफ से आता है, फराखी आई है तो अल्लाह की तरफ से, तंगी आई है तो अल्लाह की तरफ से। लेकिन जो शय भी वाकई होती है तुम पर, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, वो मुसीबत जो है वो एक बड़े वसी पैमाने पर जमीन में कोई बड़ा सैलाब आ गया हो या कोई बड़ा जलजला आ गया हो, जमीन धस गई हो गई, बहरहाल तो कोई जमीन के अंदर कोई ऐसी तकलीफ आ जाए या तुम्हारी अपनी जान में कोई बीमारी लाहिक हो जाए, कोई और इस तरह का हादसा पेश आ जाए, लेकिन यह कि इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबराहा, ये सब कुछ पहले से मौजूद एक किताब में लिखा हुआ है इससे पहले कि हम उसे जाहिर करें। इन ज़ालिक अलल्लाह यसीर, ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। तुम्हें ये अजीब लगता है लेकिन अल्लाह ताला का इल्म कदीम है, उस इल्म कदीम के हवाले से जाहिर बात है कि अगर उस पर तुम्हारा ईमान और यकीन है तो वो इल्म कदीम जो है उसके एतबार से, अल्लाह के इल्म कदीम के एतबार से, इसमें तुम्हें कोई शय जो है अजीब महसूस नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो नतीजा निकलता है, देखिए, ले कैला तासो अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम, ताकि तुम रंज और गम न किया करो उस चीज पर जो तुम्हारे हाथ से जाती रही, और इतराया ना करो उस चीज पर जो अल्लाह तुम्हें दे दे। ये है इंसान का मामला, तकलीफ आई, कोई मुसीबत आ गई तो मायूस हो गया, बददिल हो गया, अफसुर्दा हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गई, उससे भी आगे झुंझलाहट हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये सारी कैफियतें जो है रंज व गम और महन, और इसी तरीके से झुंझलाहट, अब फर्ज कीजिए कि आप पर कोई जो तकलीफ है किसी दूसरे शख्स के जरिए से आई, किसी ने आपको तकलीफ पहुंची, अब उस पर जो गुस्सा आएगा, जो इंतकामी कैफियत पैदा हो, ये सब की सब खत्म हो जाती है जब ये बात सामने आए कि ये तो अल्लाह की तरफ से था, आना ही था। अब ये गम, गुस्सा, रंज, महन, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन सबका मामला खत्म, ये जो हमारी जहनी बीमारियां हैं इस दौर के अंदर जो सबसे ज्यादा आम हो चुकी हैं, खासतौर पर खाते पीते लोग जो है मुतरफीन जो है उनके अंदर, उसमें असल दखल तो इसी को होता है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा। अब देखिए अगर ये यकीन हो, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने आप पर ज्यादती की है तो आप बदला ना ले, ये दूसरी बात है, ये तो असल में इस दुनिया का निजाम को कायम रखने का एक जरिया है, किसी ने आप पर ज्यादती की, अब अगर आप इंतकाम लेने पर कादिर हैं तो आपके सामने दो रास्ते खुले हैं। अगर कादिर है, अगर कादिर ही नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। अगर कादिर नहीं है तो फिर तो कहरे दरवेश बढ़ जाने दरवेश, मशहूर मकूला, अंदर ही अंदर आप गम और करेंगे, सदमा होगा, रंज होगा, वो जब जो भी कुछ होगा जो मैंने बयान किया, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते। लेकिन अगर आप इंतकाम पर कादिर हैं तो अब दो रास्ते खुले, ऑप्शन है, चाहे तो आप उसे माफ कर दें और चाहे तो आप उससे बदला ले लें। और देखिए कुरान इतनी फितरत इंसानी से करीब तर और इतनी मुतवासिन किताब है, इन दोनों का जवाब मौजूद है, बल्कि दोनों की अपनी अपनी जगह हिकमत है। इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू, अगर तुम माफ कर दो, बख्श दो, दरगुजर से काम लो, तो एक मकाम पर आया है तो ये तुम्हारे लिए गाने का खैर लगू, वो तुम्हारे लिए बेहतर है, उससे रूहानी तरक्की होगी। क्या आप कोई इंतकाम ले सकते थे, आपने नहीं लिया, माफ कर दिया, रूहानी तरक्की। लेकिन दूसरी तरफ
इसमें एक अंदेशा है कि उसको कुछ और शरारत करने की हिम्मत उसकी बंधेगी। एक शख्स ने आज आपको थप्पड़ मारा है, जवाबी थप्पड़ रसीद हो गया है तो आगे के लिए होश हो जाएगी, और नहीं तो फिर हो सकता कल किसी और को मारे। तो ये किसास जो है, वलकुम फिल किसास हयात या उलिल अलबाब, किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। इसलिए कि निजाम जो है दुनिया का, वो किसास के बगैर नहीं चले। इस किसास का एक निजाम जो है ना, जो हमने कायम किया अपने तौर पर, ये पुलिस किस लिए है और जेलें किस लिए हैं और फांसी के तख्ते किस लिए हैं, ये सब इसीलिए तो है कि अगर ये ना हो तो जो बदमाश और शरीर और गुंडे हैं हम उनकी तो गोया के। अब ये दूसरी बात है कि हमारे यहाँ करप्शन की वजह से ये चीज़ें इतनी मौसर नहीं रही हैं, लेकिन बहरहाल निज़ाम तो इसीलिए बनाया गया ना, हर दुनिया की हर जगह पर यह निज़ाम मौजूद है। तो किसास और इंतकाम दोनों चीज़ें जो है आपके लिए ऑप्शन है, लेकिन यह है कि उतना गुस्सा उस शख्स पर नहीं आएगा जिसने ये काम किया है आपके से। जाती तौर पर उसके खिलाफ गुस्सा उस वक्त आता है जब आप ये समझें इसने अपनी मर्जी से किया है। नहीं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आना ही था, लेकिन बहरहाल उसने किया है तो आप उससे इंतकाम लेने में हक बजानिब होंगे, और इंतकाम के अंदर जो है वो दुनिया का निजाम। मैं एक इसका वाकया सुनाया करता हूँ, वाकया है या कहानी समझ लीजिए, कि एक शख्स दरवेश जा रहा था कहते हुए जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो। एक शख्स ने उठा के उसे पत्थर मारा, सर पर लग गए, उसने पलट कर देखा। अब उसने ये कहा पत्थर मारने वाले ने, जो रब करे सो हो, मुझे क्या देख रहे हो? तो उस दरवेश ने कहा कि मुझे तो पत्थर लगा है अल्लाह के मारने से, लेकिन मैं देख रहा था बीच में मुंह काला किसका हो गया। तुमने अपने लिए जो है जो भी कसम किया है, कमाई की है, वो मैं देख रहा हूं कि वो कौन है कि जिसने अपने लिए ये अल्लाह का गुस्सा अल्लाह का अज़ाब कमाया है। बाकी यह कि अल्लाह चाहता तो तुम लाख कोशिश करते, वो पत्थर मुझे ना लगता, तुम्हारा निशाना खता हो जाता। तो मुझे लगा है अल्लाह के फैसले से, ये मैं मानता हूं, लेकिन यह कि बहरहाल दरमियान में कोई शख्स कोई जरिया बन गया है, तो उसके बारे में मैंने आपसे अर्ज किया कि इस दुनिया के अंदर ये तकदीर जो है आपको सुकून देती है, इसी तरीके से खौफ से निजात दिलाती है। कोई चीज पेश नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह का इज्जत ना हो। चुनाचे सूरह तौबा में जो मैंने आयत आज आपको सुनाई कि इंतहाई शदीद नामुवाफिक हालात थे, शदीद गर्मी का मौसम था, जबकि हुजूर ने गज़वा तबूक का इरादा किया और ऐलान कर दिया कि हम जा रहे हैं सल्तनत रोमा के साथ टकराव के लिए, वरना उससे पहले कभी आपने ऐलान आम नहीं किया था, और नफीर आम के तमाम मुसलमान चले। चुनाचे आपकी हयात दुनियावी का सबसे बड़ा लश्कर 30,000 का लश्कर था, किंतु आपके जलाओ में था। सूरत क्या थी कि कहत का आलम था, अब खजूर की फसल तैयार थी, और अगर सब लोग चले जाए तो उतारेगा कौन फसल, और फसल तो खराब हो जाएगी, दरख्तों के ऊपर गल सड़ जाएगी। जाहिर बात है कि ये औरतों के करने का काम तो नहीं, खजूर के ऊपर से दरख्त के ऊपर चढ़कर फसल उतारना आसान काम तो नहीं। इन हालात में शदीद तरीन इम्तिहान हो गया सहाबा, और मुनाफिकीन ने ये कहा ओ होश के नाखून लोग, क्या हो गया है तुम्हें, इस गर्मी में जा रहे हो और हिरकल आजम शहनशाह रूम से टकराने जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इस गर्मी में, और कहत का आलम और फसल तैयार। तो उसका जवाब दिलवाया, कुल ऐ मुसलमानों तुम इनसे कहो, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून। कह दो हम पर कोई शय वाकई नहीं हो सकती मगर वही जो हमारे रब ने हमारे लिए लिख दी है, और वो हमारा मौला है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा पुष्टपना है, वो हमारा वली है, वो जो करे सरे तस्लीम खम है जो भी जाले याद गया है। न शबद नसीब दुश्मन के शबद हलाके थे, न सरे दोस्ता सलामत के तो खंजर आजमाई। अल्लाह की तरफ से जो आए वो हमारे लिए, हम उसको वो खुश आइंद है, चाहे हमें नागवार महसूस हो वक्ती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मादी तौर पर तकलीफ तो हो तकलीफ, लेकिन यह कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है और हमारे लिए काबिल हो। इसी का नाम है तस्लीम और रजा, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहना।
کوئی شکوہ نہ ہو, اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں اور کسی اور سے بھی شکوہ نہیں, نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت ہے زمانہ. ہاں جو کچھ آ رہا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے, البتہ جو بھی بیچ میں کوئی ذریعہ بن گیا ہے اس نے اپنے لیے جو بھی کمائی کرنی تھی کر لی, البتہ ہم اگر